शाजापुर के ग्राम जामनेर में लगा ट्रांसफार्मर 3 दिन से खराब है। इस कारण पूरे गांव में 3 दिन से अंधेरा है। शाम होते ही पूरे गांव में अंधकार छा जाता है। ग्रामीणों ने ट्रांसफार्मर सुधरवाने के लिए बिजली कंपनी के अधिकारियों को अवगत करवाया, लेकिन अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। 3 दिन से किसानों के मोटर पंप बंद है। घर की पेयजल सप्लाई भी ठप हो गई है। ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इस बीच विभागीय अधिकारी से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि आज शाम तक ट्रांसफार्मर लगा दिया जाएगा और बिजली चालू कर दी जाएगी। रामेश्वर प्रसाद अहरवार। सर, ये समस्या कब से आ रही है? परसों ओवरलोड हुआ था, इसके कारण से पावर में प्रॉब्लम आ गई थी जी। तो उसके लिए प्रपन्न वरिष्ठ कार्यालय सूचित किया जी। तो कल वहाँ से रिलीज पावर हो गया, तो आज शाम तक नया पावर यहाँ इंस्टॉलेशन हो जाएगा। आज लाइट पूरी चली जाएगी? नहीं, लाइट नहीं होगी, इंस्टॉलेशन होगा, फिर उसको क्या 10-12 घंटे चार्ज करना पड़ता है जी। तो सुबह मतलब अपन हो जाएगी। सात गांव लगे हैं अपने जामनेर गेट में जी। ये जामनेर की समस्या है जो तो है सही जी। पर यहाँ बहुत समय से मांग है कि बड़ी अगर मशीन लग जाती थी बार बार की समस्या खत्म हो जाती। ओवरलोड होता है, एमसीबी भी नहीं, एमसीबी भी एक ही खाली, यानी एक फिटर बंद होता तो 3 ही फिटर बंद होते हैं। यानी कुछ तो ऊपर वाले की लापरवाही के कारण भी आज जो नुकसान हुआ है जी, ये उनका कारण हुआ है। अभी आप क्या चाहते हो? नहीं, लगे हैं सब, हमारे भाई साहब भी लगे हुए हैं, सबके कारण आज जो इतनी जल्दी उपलब्ध होना, कल भी गए तो सर भी गए तो सब ऊपर भी चर्चा हुई। आज मशीन भी आ गया है सुबह से, क्रेन व्रेन सब आ गई जी। जनता परेशान ना हो तो उसके लिए सारा बल लगा हुआ है सर, बिजली बात का। शाजापुर से मुकेश अहिरवार की ये रिपोर्ट।